दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र झा है, मैं मुंबई से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर आपको सफ़ेद कलर का डॉट डॉट नज़र में आ रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको ये डॉट डॉट नज़र में आ रहा है, वो एक्चुअली हमारे ब्रेल लिपि में ड्रीम लिखा गया हुआ है। दोस्तों, ये ब्रेल लिपि में ड्रीम किस तरह से लिखा गया है उसके बारे में मैं आपको रीड करके बताता हूँ। दोस्तों, मेरे आप फिंगर को देख सकते हो, जो पहला अल्फ़ाबेट से वो डी है, ये आर है, ये ई है, ये ए है और ये एम है, यानी डी आर ई ए एम, यानी ड्रीम। दोस्तों, ये जो टी शर्ट है वो अनुप्रयास ब्रेलमेट जो संस्था है उनके द्वारा बनाया गया हुआ है और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। दोस्तों, मैं अनुप्रयास ब्रेलमेट संस्था को सपोर्ट करता हूँ। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ऊपर मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, एक दिन मैं अपने कॉलेज के लिए बोरीवली से मुझे ट्रेन पकड़ने का था, तो मैं जब मैं ब्रिज चढ़ रहा था तो ब्रिज के रेलिंग पे मैंने देखा कि ब्रेल में कुछ लिखा हुआ था। मुझे पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने उसको पढ़ना उचित समझा। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो वहाँ पे देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर जाने का था। फिर मैंने ब्रिज के अलग अलग ब्रिज के अलग अलग रेलिंग पे देखा तो उस पर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से बिना किसी के हेल्प लिए और बिना किसी के सहारे से मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच गया। ये जब मैं पढ़ा और जब मैं ट्रेन में बैठा, फिर मैं सोचा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से चर्चा भी किया। और उसके बाद बाकी के स्टेशनों पे भी मैंने स्टेशनों के रेलिंग के ब्रिज के रेलिंग पे चेक किया कि ये सारी सुविधा खाली बोरीवली में ही है कि और सारे स्टेशनों पे भी है। तो मैंने सिर्फ बोरीवली स्टेशन पे ही इस चीज़ को महसूस किया और अपने दोस्तों में इसके बारे में चर्चा किया कि शायद रेलवे हमारे लिए कुछ कर रही है। प्रयास ब्रेलमेट संस्था है, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। हमारे मित्र पंचम जी जो है वो उन्होंने काफ़ी मशक्कत किया, काफ़ी हार्डवर्क किया इस चीज़ के लिए, बोरीवली स्टेशन को ब्लाइंड फ्रेंकली बनाने के लिए। उनको हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। इतने भीड़ भाड़े शहर में लोग अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, लेकिन तभी भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं काफ़ी उनको सेलेक्ट करता हूँ और उनके साथ साथ उनके संस्था को भी सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप भी इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे परचेस कीजिए। इसकी लिंक बायो में दी गई है। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इम्पैक्ट, इम्पावर एंड अनुप्रयास। थैंक यू।